सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। सही भक्तों पर पिताजी खूब कृपा करें, मेरी लाडो रानी की भी खूब कृपा हो सभी भक्तों पर। आज जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो है होई आठी के बारे में बताने के लिए। काफी भक्तों के यहाँ पर अहोई अष्टमी या होई आठी भी बोलते हैं, ये व्रत किया जाता है। तो देखिएगा, इस बार जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो 5 तारीख को है। 5 नवंबर को जो है हम होई अष्टमी का व्रत करेंगे। अब होई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, सभी को पता है, जिनके घर में भी बच्चे हैं वो उनके लिए व्रत करते हैं। मैं व्रत अपने बच्चों के लिए करूंगी। अब इसका एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि अहोई अष्टमी का इतना महत्व क्यों है। देखिएगा, आज के दिन अहोई अष्टमी वाले दिन यानी कि राधा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। जिन भी मतलब कि जो भी दंपत्ति हैं वैवाहिक, उनको अगर संतान नहीं हो रही है तो वो राधा कुंड में स्नान करते हैं मध्य रात्रि में। अहोई अष्टमी के दिन आधी रात से ये स्नान शुरू हो जाता है, स्नान करते हैं और लाडो रानी की कृपा से उनके घर सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से, मतलब ये कहानी है जो अहोई अष्टमी के दिन से शुरू हुई है। देखिएगा, जैसे ही कृष्ण जी ने, मतलब लड्डू ने हमारे, जब अनिष्टासुर का वध किया था, तब वो वध करने के बाद जैसे ही लाडो के महल में जाते हैं, निज महल में जाते हैं, तो हमारी लाडो रानी कहती है कि वो आपसे नहीं मिल सकते क्योंकि आपने जो है गोवर्ण के एक वंशज का जो है आपने वध किया है, तो वो आपसे नहीं मिलेंगी। पहले तुम्हें जो है 7 मतलब तीर्थों का जो कुंड है उसमें स्नान करके आना पड़ेगा, तभी वो आपसे मिल सकती है, मतलब की। तब अब फिर जो कृष्ण जो है उन्होंने क्या करा कि वो जैसे ही आते हैं, जैसे कि निज से महल से बाहर लाडो रानी के, तो वो सोचते कि साध वो एक अपनी बांसुरी से जो है गड्ढा खोदते हैं। बांसुरी से जब वो गड्ढा खोदते हैं तो उसमें 7 तीर्थों का आवाहन करते हैं और आवाहन करने के बाद में उसमें तीर्थ को जो तालाब होता है उसको जल से समापन उसको पूरा भर लेते हैं। उसके बाद में उसमें स्नान करके फिर वो लाडो रानी जो अपने निज महल में चले जाते हैं। जब वो अपने निज महल में जाते हैं तो उसके बाद में लाडो फिर मिलने के लिए जाती है उनसे। जब मिलने के लिए जाते तो वो मना कर देते हैं मिलने से कि नहीं, मतलब कि तुम अब मेरी अर्धांगिनी हो, मैंने अगर अनिष्टासुर का वध किया है उस राक्षस के वध से, अगर मुझे जितना मतलब कि मुझे पाप लगा तो उसका कुछ तो पाप तुम्हें भी लगा है, जब तुम भी 7 तीर्थों के जो है कुंड में स्नान करके आओगी तभी तुम भी पवित्र होगी। तो फिर लाडो जो है अपने कंगन से उसको गड्ढे को खोदती हैं, इसीलिए राधा कुंड का नाम एक कंगन कुंड भी है, उसी का ही नाम। तो फिर जो लाडो अपने जब कंगन से उस कुंड को खोदती है तो फिर उसमें जो है सभी तीर्थ जो जल जो लड्डू ने अपने मतलब कि 7 तीर्थों का आवाहन किया था, तो वो अपने तीर्थ का जल जो है वो उस राधा कुंड के जल में भी छोड़ देते हैं। ये दोनों का एक संगम हो जाता है। तब से जो है कंगन कुंड का बहुत महत्व है और ये सब कार्य जो है अहोई अष्टमी वाले दिन हुआ था, इसलिए अहोई अष्टमी के दिन इस कार्य का और ज्यादा महत्व बढ़ गया। तो जिन भी दंपतियों के जब संतान नहीं होती है मध्य रात्रि में, वो राधा कुंड में स्नान करे, उन्हें अवश्य संतान की जो प्राप्ति होती है। जो और भी एक है, एक में इसमें कुछ और भक्त और भी एक अच्छा मतलब कि पुण्य का जो कार्य करते हैं विशेष रूप से, एक जो पेठा होता है पति पत्नी दोनों कुंड में खड़े होकर, राधा कुंड में खड़े होकर मध्य रात्रि के समय जो है पेठा का जो फल है उसे लाल कपड़े में लपेट कर फूल माला रखकर अच्छे से सजा कर राधा कुंड को अर्पण करते हैं, इससे भी सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। मध्य रात्रि में स्नान का विशेष महत्व है क्योंकि आधी रात को ही 12 बजे के बाद से जो है ये स्नान शुरू हो जाता है और साल में सिर्फ इसी दिन ही जो है मध्य रात्रि में स्नान किया जाता है और सुयोग्य संतान की प्राप्ति भी होती है, इसलिए अहोई अष्टमी का बहुत अधिक महत्व है। तो जिन भी भक्तों से मतलब कि मैं जो वक्त मुझसे कहते हैं कि हमारे संतान प्राप्ति हो जाए, है कुछ भक्त, तो मैं कहूंगी कि कृपया करके आप जरूर स्नान करें एक बार जरूर, और राधा रानी देखना आप पर जरूर कृपा करेगी। और सभी भक्तों को जो अहोई अष्टमी का व्रत जैसे भी आप अपने घर में मनाते हो वो 5 तारीख को मनाया जाएगा। और मैं जैसे ही अहोई अष्टमी का व्रत करूंगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी क्योंकि मैं अपने बाबू के लिए व्रत करती हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं ये व्रत करती हूँ। और जैसे ही आगे की आपको विधि और सब चीजें मैं बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ, बाकी सब अपनी फैमिली अपने घर में अपने परिवार के अनुसार पूजन करते हैं। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।